Welcome student in today's online class. Let's do remaining question answers of the chapter A Question of Trust. Question number 11. Horace Denby was a good and respectable person. Horace Denby एक बड़ा ही अच्छा और ईमानदार व्यक्ति था, इज्जतदार व्यक्ति था. But he was not a completely honest person. लेकिन वो पूरी तरह से ईमानदार व्यक्ति नहीं था. Why do you think this description is not apt for him? तुम ये बात क्यों सोचते हो कि ये जो बात कही गई है ये उसके लिए क्यों सही नहीं थी. एप्ट होता है एप्रोप्रिएट या राइट कह लो या सही कह लो. वाई कैनॉट बी ही कैटेगराइज एज ए कॉमन थीप. उसको एक कॉमन थीप, एक आम चोर है वो क्यों नहीं कहा जा सकता था. थीप चोर होता है. आंसर रियली होरेस डेनबे वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल पर्सन. इस बात में कोई शक नहीं है कि होरेस डेनबे है वो एक, ओके यहां ए वर्ड और लगा लेना, वो एक अच्छा और ईमानदार व्यक्ति था. बट ही वॉज नॉट ए कम्प्लीटली ऑनेस्ट पर्सन. लेकिन वो एक पूरी तरह से ईमानदार व्यक्ति नहीं है. इट इज बिकॉज ही रोब्ड ए सेफ एवरी ईयर टू स्पेयर एनफ फॉर द होल ईयर. ये इस कारण से था क्योंकि वो क्या है कि हर साल एक तिजोरी लूट लेता था ताकि वो पूरे साल के लिए कुछ जमा कर सके, अपना काम चला सके. ही वॉज नॉट ए कॉमन थीफ. वो एक आम चोर नहीं था. एज का मतलब बिकॉज से होता है, क्योंकि ही रोब्ड सेफ फॉर ए गुड रीजन, क्योंकि वो एक अच्छे कारण के लिए ही तिजोरी तोड़ता था. ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स. वो ये थी कि वो कम मिलने वाली ज्यादा कीमत वाली किताबें जो रेयर होती हैं, कॉमन नहीं होती, उनको वो पसंद करता था. ही यूज टू बाय दिस रेयर एक्सपेंसिव बुक्स विद दिस मनी. और वो इन्हीं किताबों को इसी पैसे से खरीद लेता था. मोर ओवर ही रॉब्ड ओनली दोज पीपल हु वर रिच. इसके अतिरिक्त वो केवल उन्हीं लोगों के घर चोरी करता था जो ज्यादा अमीर होते थे. एंड हैड एनफ टू स्पेयर. और उनके पास फालतू काफी होता था, काफी कुछ पड़ा होता था. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. होरेस डेनबे वॉज ए मैट्रिकुलस प्लानर. होरेस डेनबे है वो एक बड़ा ही सक्षम प्लानर था. वो बड़ा ही अच्छी योजना बनाने वाला व्यक्ति था. वेयर डिड ही गो रॉन्ग. कहां पर उससे गलती हो जाती है. एंड वाई क्यों गलती होती है जब वो शॉर्ट ओवर ग्रेंज पर चोरी करने गया था. होरेस डेनबे वॉज नो डाउट ए मैट्रिकुलस प्लानर. होरेस डेनबे इस बात में कोई शक नहीं है कि बड़ा अच्छा योजनाकार था. हिज प्लान्स वर ऑलवेज सक्सेसफुल. उसकी योजनाएं भी बड़ी सफल होती थी. बिफोर रोबरी करने से पहले, डाका डालने से पहले, ही प्लान्ड वेरी केयरफुली. वो बड़ी अच्छी योजना बनाता था. ही ऑलवेज स्टडीड द हाउस. वो जिस घर को टारगेट करना होता था, जिस घर के अंदर चोरी करनी होती थी, उसका वो अध्ययन कर लेता था. इट्स पाथ्स, उसके रास्तों का अध्ययन करता था. इट्स गार्डन, उसके बाग बगीचे देख लेता था पहले से जाकर के. इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, उसकी तारें कहाँ हैं, ठीक है. इट्स सर्वेंट्स, उसके घर है वो देख लेता था. नौकरों के बारे में जानकारी हासिल कर लेता था. बिफोर डूइंग रोबरी करने से पहले. बट बिफोर द रोबरी एट शॉर्ट ओवर ग्रेंज. लेकिन शॉर्ट ओवर ग्रेंज पर चोरी करने से पहले ए लेडी फूल्ड हिम. एक औरत ने उसको बेवकूफ बना लिया बाय प्रेजेंटिंग हर एज द ओनर ऑफ द हाउस, क्योंकि उसने अपने आप को घर की मालकिन के तौर पर पेश कर दिया. होरेस केम इन हर ट्रिक्स. होरेस उसकी ट्रिक में आ जाता है. एज शी फोर्स होरेस टू ब्रेक ओपन द सेफ फॉर हर. एज शी टोल्ड हिम दैट शी वॉन्टेड टू वियर द ज्वेलरी लाइंग देयर इन ए पार्टी इन द इवनिंग. कहते हैं होरेस उसकी ट्रिक में इसलिए आ गया क्योंकि उस औरत ने उसको कहा था कि वो तिजोरी उसके लिए तोड़ दे, क्योंकि वो उस तिजोरी में रखी हुई ज्वेलरी को, गहनों को शाम के समय इवनिंग के अंदर एक पार्टी में पहनना चाहती है और घर की वो मालकिन है और वो लॉक का नंबर है वो भूल चुकी है. होरेस ब्रोक द सेफ विदाउट वेयरिंग ग्लव्स. होरेस ने अपने हाथों में बिना दस्ताने पहने ही वो तिजोरी तोड़ दी. एंड ही वॉज अरेस्टेड फॉर रॉबरी एट शॉर्ट ओवर ग्रेंज आफ्टर 2 डेज. और 2 दिनों के बाद ही उसको शॉर्ट ओवर ग्रेंज पर चोरी करने के कारण अरेस्ट कर लिया और उसको जेल में डाल दिया. तो स्टूडेंट दिस इज दी लॉन्ग दीज आर दी टू लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. ओके दीज आर नीदर लॉन्ग नॉर शॉर्ट. ओके यू हैव टू लर्न दीज क्वेश्चंस. दिस इज एनफ फॉर टुडे.
Tomorrow I shall start your next chapter, and students, I hope that you are doing your work, because department is going to plan your exams also. आपके exams हैं वो भी department plan करने जा रहा है. These exam may be objective type questions. ये objective type question MCQ की form में भी हो सकते हैं. तो जो पहले chapter आपके रह गए हैं बच्चों, उनको मेरे YouTube चैनल के माध्यम से आपने अच्छी प्रकार से दोबारा देख कर करके उनको रिवाइज कर लेना है. आपके पास नोट्स बने हुए हैं, उनको दोबारा से पढ़ो, क्योंकि मैं मानता हूं कि आने वाले 15 दिन के अंदर आपके एग्जाम्स हैं वो भी हो सकता है शुरू हो जाएं. तो इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है आपने. तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, एंड हैव ए नाइस डे.